गुड मॉर्निंग पिला माने मु सुश्री गुरुमा तुमानु गाजरे इतिहास पढ़ा को स्वागत करूची। गत अध्याय आमे पढ़ीतिले द्वितीय इतिहास रे द्वितीय अध्याय स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे ओडिया जातीयतार विकास किपरि होतिला आमे प्रथम पाठ रे आलोचना करितिले। आज आमे तार द्वितीय पाठ उत्कल सम्मेलन रो गठन विषय रे पढ़िबा। उत्कल सम्मेलन रो गठन किपरि होतिला तार किए उत्कल सम्मेलन गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते आम उत्कल सम्मेलन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन दिन टी आम एप्रिल एक प्रत्येक वर्ष एप्रिल एक को कौन बोली पालन करचे से दिन आमर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठित होता। ताले से ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे आमर जो मुख्य भूमिका ग्रहण करते मधुबाबू मधुबाबू प्रचेषार किपरि आम उत्कल सम्मेलन गठन हो पार्ला आम यही पाठ से आलोचना करवाई बोली तुमको मुझे गोटे वीडियो देखा तुमने से वीडियोटी को देख से तुमने जहा वीडियोटी शुणव शुणापर आम तापर ता विषय आलोचना करवा मन देखी शुण से तुमने सबुतक मसीहा को लक्ष्य कर प्रत्येक घटना मसीहा सहित भल भाव तुम परिचित होने आलोचन भाग आलोचना करने विषय ठीक अच्छे। उत्कल सम्मेलन गठन ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण निम्ते उत्कल गौरव मधुसूदन दास जो प्रचेषा जारी रखि उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा द्वारा तहार आनुष्ठानिक शुभारंभ होता। उत्कल सभा उत्कल सम्मेलन गठित होगा पूर्व मधुबाबू उत्कल सभा गठन करते उत्कल सभा मधुबाबू उद्यम 1882 मसीहा अगस्त 16 तारीख में कटक गठित होता। यार प्रथम सभापति थे चौधरी काशीनाथ दास और प्रथम संपादक थे गौरीशंकर राय। एही अनुष्ठान उद्देश्य थिला जे स्थानीय स्वायत्त शासन अनुष्ठान सृष्टि करिबारे सहाय्य करिबा ओ जनकल्याण कार्यक्रम गुड़ी को प्रोत्साहित करिबा। 1886 डिसेंबर 28 रे कलिकता ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेसर द्वितीय अधिवेशन रे उत्कल सभा तरफरु मधुसूदन दास गोलकचंद्र बोस हरिबल्लभ बोस और कालीपद बानार्जी जोग देथिले। गंजाम जातीय समिति विंश शताब्दी प्रारंभ रे गंजाम जिले रे गंजाम जातीय समिति नामक एक आंचलिक अनुष्ठान जन्म नेथिला। 1903 मसीहा आरंभ रे केतक उत्साही युवक गंजाम जिलार रंभाठारे एकत्र हुई खल्लीकोट राजा हरिहर मर्दराज देवंक प्रेरणा रे गंजाम जातीय समिति नामक एक अनुष्ठान गठन करिथिले। गंजाम ओ अन्यान्य दक्षिणांचल जिला तथा ओडिशार अन्यान्य अंचल को एक शासनाधीन रे रखिबा पई उद्यम करिवार थिला एहार उद्देश्य। एहार प्रथम बैठक ब्रह्मपुर ठारे 1903 मसीहा एप्रिल मासरे बसिथिला। एही प्रथम बैठक रे ओडिशा बंग केन्द्रीय प्रदेश और मांद्राज प्रेसिडेंसी रो समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल प्रतिनिधि माने बहुसंख्या रे जोग देथिले। एही सभारे अध्यक्षता करथिले श्याम सुंदर राजगुरु। गंजाम जातीय सभार सफलता मधुबाबू को समग्र ओडिशा पाई एक जातीय सभा डकाइबा को प्रेरणा देथिला। उत्कल सम्मेलन मधुसूदन दास बंगलार बंग जातीय सभा एवं गंजामर गंजाम जातीय सभारे जोग देई उत्कल सम्मेलन गठन पाई प्रेरणा पाइथिले। मधुबाबू समग्र ओडिशा पाई एक जातीय सभार परिकल्पना कला परे ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करिबा को ताकु कनिका राजा राजेन्द्र नारायण भंजदेव उत्साहित करिथिले। मधुबाबू तांकर एही परिकल्पना को कार्यरे परिणत करिबा पई 1903 मसीहा रे उत्कल सभा आनुकूल्य रे कटक रे एक सभा आह्वान करिथिले। एही सभा रे समग्र ओडिशा तथा विच्छिन्नांचल समूह एकत्रीकरण दिगरे उद्यम करिबा पई
एक जातीय अनुष्ठान गठन करा जिबा पई निष्पत्ति ग्रहण करा गला। एही जातीय अनुष्ठान रा नाम रखा गला उत्कल सम्मेलनी। उत्कल सम्मेलनी रा लक्ष्य, उत्कल सम्मेलनी एक गण राजनीतिक संस्था रूपे कार्य आरंभ कला। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन थिला एहार मुख्य लक्ष्य। एतत् व्यतीत एहार अन्य केतेक लक्ष्य मध्य थिला, सेगुडिक हेला एक प्राकृतिक ओडिशार एकत्रीकरण, दुई ओडिशार समुदाय विकास, तीन समस्त ओडिशा भाषाभाषी अंचल गुडीकु एक शासनाधीन करिबा, चारि विच्छिन्नांचलरे ओडिया मानक स्वार्थर सुरक्षा। पिला माने तुम माने सुनिल उत्कल सम्मेलन किपरि गठित होइतिला तार सम्मेलनर गठन। ताले पिले उत्कल सम्मेलन किपरि गठित होइतिला तुम माने सुनिल वीडियो टिकु बर्तमान आमे ता विषय देखिबा। देखो तुम माने मन देखि सुनिछ उत्कल सम्मेलन रो किभळि आरंभ होइतिला। मधुसूदन दास तार आनुष्ठानिक शुभारंभ करिथिले। ताले 1882 अगस्त 16 रे प्रथम उत्कल सभा मधुबाबूंक द्वारा कटक रे प्रतिष्ठित होइतिला, जहार उद्देश्य थिला स्थानीय स्वायत्त शासन अनुष्ठान सृष्टि करिबा आउ जनकल्याण कार्यकु प्रोत्साहन देवा। ए हउछि गोटे राजनैतिक अनुष्ठान, ओडिशार प्रथम सुसंगठित राजनैतिक अनुष्ठान थिला उत्कल सभा। उत्कल सभार प्रथम सभापति थिले चौधरी काशीनाथ दास और प्रथम संपादक थिले गौरी शंकर राय। कलिकतारे जेतेबेले द्वितीय जातीय कांग्रेस रे द्वितीय अधिवेशन बसिथिला 1886 डिसेंबर 28 रे, सेतेबेले उत्कल सभा तरफ रु मधुबाबू गोलक को माने जोग देथिले। त माने आगरु से विषय पढ़िला गोलक चंद्र बोस, हरिवल्लभ बोस आउ कालीपद बनर्जी प्रभृति जोग देथिले। किंतु उत्कल सभा गोटे सीमित कार्य परिसर मध्यरे सीमित थिला, तेणु आपको गोटे बृहत्तर जातीय अनुष्ठान गढ़ापी बोली चेष्टा करते मधुबाबू, जहाँ प्रेरणा जहाँ को प्रेरणा देते खल्लिकोट राजा हरिहर मध्य 1903 जहाँ ये जो आमर उत्कल सभा बा उत्कल सभा तरफ जो मधुबाबूंर गठन उद्देश्य अन्न्य जमी बंग जातीय सभा को मध्य प्रेरित करता, बंग जातीय सभा गठन करने दिगरे प्रेरणा देता 1903 एक विच्छिन्नांचल आमर दक्षिण ओडिशार रही एकत्रीकरण करने लगे केतक उत्साही युवक युवक मैंने मिसिक गंजाम जातीय समिति नामक गोटे अनुष्ठान गढ़ीते रंभा निकट एकत्रित हरिहर मर्दराज खल्लिकोट राजा हरिहर मर्दराज प्रेरणा यह अनुष्ठान गढ़ाई तार उद्देश्य थिला कौन गंजाम और अन्यान्य दक्षिणांचल जिला मानक एक शासनाधीन करवा। जार प्रथम बैठक ब्रह्मपुर बसला श्याम सुंदर राजगुरु यही सभार प्रथम अध्यक्ष होते। गंजाम जातीय सभा पर कौन होता मधुबाबूंर जो कटक रे प्रथम सब आयोजन करते कटक जिते सी जातीय सभा जोटा कि मर कौन उत्कल सभा गठन होता तापर पर गंजाम जातीय सभा गठित होला। तेणु मधुबाबू कटक ठारे उत्कल सभार आनुकूल्य गोटे सभा डकईले जहाँकि सेटा शेष सभा सभापतित्व में शेष सभा। तथापि समग्र ओडिशा तथा विच्छिन्नांचल को एकत्रीकरण करने से गोटे जातीय अनुष्ठान गठन करार लक्ष्य रखी जहाँकि उत्कल सम्मेलन पर नामित होता बा आम ए जानले गंजाम जातीय समिति परे परे सेटा गंजाम जातीय सभार परिणत होला। सेमती उत्कल सभा परे उत्कल सम्मेलन रे परिणत होइतिला। उत्कल सभा को एक जातीय अनुष्ठान गठन करिया जिवारे उद्यम करा गला से जो जातीय अनुष्ठान ताहा ही हेला उत्कल सम्मेलन। ताले उत्कल सम्मेलन जो गोटे अण राजनैतिक संस्था जार संपादक थिले मधुबाबू आउ राजेंद्र नारायण भंजदेव अभ्यर्थना कमिटर अध्यक्ष भाव में जोग देते। कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव ये उत्कल सम्मेलन प्रथम अध्यक्ष भाव में जोग देते। मधुबाबू संपादक भाव में
संपादक रहा स्थिर कराले आर मुख्य उद्देश्य थिला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन किंतु आर किछि अन्य अन्य उद्देश्य मध्य थिला तम वीडियो रे सुनिल प्राकृतिक ओडिशा एकत्रीकरण ओडिशार समुदाय विकास सब ओडिया भाषाभाषी अंचल को एक शासनाधीन करिबा आउ विच्छिन्न अंचल ओडिया मानक स्वार्थ रक्षा ताले उत्कल सम्मेलनर मोट 16 अधिवेशन बसी थिला आमे तार परवर्ती भाग को परवर्ती तार अंश को जीवा उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन विषय आलोचना करिबा ता पूर्वरु मु तुमको गोटे वीडियो टी देखौछि तुम्हें लक्ष्य रख चलगुड़ी एक शासनाधीन करिबा चारि विच्छिन्नांचल ओडिया मानक स्वार्थर सुरक्षण सम्मेलन प्रथम अधिवेशन उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 और 31 तारीख में कटक अनुष्ठित होता अधिवेशन मद्रास केन्द्रीय प्रदेश एवं बंगलार ओडिया प्रतिनिधि माने तथा से ही अंचल 30 जन गड़जात राजा जोग देते ओडिशार खलिकोट कनिका मयूरभंज ढेंकानाल केन्दुझर एवं तालचेरार राजा माने एही अधिवेशन रे जोग देते उत्कल सम्मेलन एही प्रथम अधिवेशन रे सभापतित्व करिथिले मयूरभंज राजा श्रीरामचंद्र भंज देव कोलकाता रो अमृत बाजार पत्रिकार संपादक मोतीलाल घोष एही अधिवेशन रे जोग देते एही प्रथम अधिवेशन रे ओडिशा कला और साहित्य उन्नति संपर्कित एक प्रस्ताव गृहीत होता एवं रिश्ले सर्कुलर को अनुमोदन सम्मेलन मधुबाबू ओडिया भाई मान उत्कल सम्मेलन महासिंधु निजर प्राणबिंदु को मिशाई देवाई आह्वान देते उत्कल सम्मेलन अन्यान्य अधिवेशन प्रथम अधिवेशन पर मधुसूदन दास नेतृत्व में उत्कल सम्मेलन वार्षिक अधिवेशन भिन्न भिन्न स्थान में अनुष्ठित ओडिया आंदोलन को सक्रिय कर अष्टम अधिवेशन 1912 मसीहा एप्रिल 6 और 7 तारीख में ब्रह्मपुर अधिवेशन मधुबाबू बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को विरोध कर उत्कल सम्मेलन 10वां अधिवेशन 1914 मसीहा डिसेम्बर 26 और 27 तारीख में पारा खेमुंडी ठारे अनुष्ठित होता मंजूषा राजा विक्रमदेव वर्मा एथिरे अध्यक्षता करिथिले एही सम्मेलन मुख्य उद्देश्य थिला पूर्णांग ओडिशा गठन पर सीमा निर्धारण 1917 मसीहा डिसेम्बर 11 तारीख में उत्कल सम्मेलन तरफ मधुबाबू नेतृत्व में मंटेगु चेम्स फोर्ड को कलिकता ठारे एक दाबीपत्र दिया जाइथिला 1918 मसीहा डिसेम्बर मासरे कटक अनुष्ठित सम्मेलन मंटेगु चेम्स फोर्ड खसड़े ओडिशा विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण प्रस्ताव न थिबारु दृढ़ निंदा करा जाइथिला 1920 मसीहा महात्मा गांधी आह्वान रे निखिल भारत जातीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार विरोध में असहयोग आंदोलन चलाइबा स्थिर कला एवं 1921 थारु असहयोग आंदोलन सारा भारत रे जोर शोर रे चलिला सेतेबेले पंडित गोपबंधु दास प्रभृति नेता माने भाविले असहयोग आंदोलन द्वारा ही उत्कल सम्मेलन मूल लक्ष्य अर्थात विच्छिन्नांचल समूह मिश्रण और एक स्वतंत्र प्रदेश गठन संभव हो पार 1920 मसीहा सिंहभूमि जिलार चक्रधरपुर अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन अधिवेशन कांग्रेस लक्ष्य और आदर्श को ग्रहण करिलेला
मधुबाबू असहयोग आंदोलन विरोधी थे तेणु से उत्कल सम्मेलन सह समस्त संपर्क तुटाई दे 1925 मसीह कटक कल्पतरु दास सभापतित्व अधिवेशन बसिता किंतु दुखर कथा ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश होगा आगु मधुबाबू 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारीख में प्राणत्याग कर उत्कल सम्मेलन शेष बैठक कटक 1935 मसीहा फेब्रुआरी 11 तारीख में अनुष्ठित होता 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख रु एक स्वतंत्र प्रदेश भाव गठित होला एवं मधुबाबू को स्वप्न साकार होला। पिला माने तुम माने सुनिलो ए जो वीडियो टी रे तुम माने देखिलो देख प्रथम अधिवेशन रे 1903 रे प्रथम अधिवेशन 1903 डिसेंबर 30 आ 31 तारीख रे कटक रे उत्कल सम्मेलन रे प्रथम अधिवेशन बसला एथिरे सभापतित्व करथिले मयूरभंज रो राजा श्रीरामचंद्र भंजदेव जहाँकि जो सम्मेलन होता से सम्मेलन रे समस्त कार्यक्रम को ओडिया भाषा रे परिचालित करा जायथिला एथिरे आउरी जोगो देथिले को माने जोगो देथिले तम माने सब पढ़िबो आ भलर मन रखिबो मांद्राज केन्द्रीय प्रदेश आ बंगलार ओडिया प्रतिनिधि तथा से अंचल 30 जन गड़जात राजा सेमती ओडिशार को राजा खल्लीकोट कनिका मयूरभंज ढेंकानाल सेमती ढेंकानाल राजा ढेंकानाल राजा रहचन सुर प्रताप महेन्द्र बहादुर केन्दुझर राजा धनुर्जय नारायण भंदेव आठगढ़ राजा विश्वनाथ वैवर्त पटनायक तालचेर राजा किशोर चंद्र हरिचंदन जोग देते ए अमृत बजार पत्रिकार संपादक मोतीलाल घोष जोड़ा कि कलिकतार प्रकाश पाँच अमृत बजार पत्रिका से मोतीलाल घोष जोग देते अर्थात धीरे धीरे उत्कल सम्मेलन जो सदस्य संख्या बढ़वे लगला ताले ए जो उत्कल सम्मेलन रे प्रथम अधिवेशन रे जो माने जोग देते से माने उत्कल जेते बुझी पारिले जे प्रथम अधिवेशन रे जो माने जोग देते से प्रस्ताव रे गोटे ग्रहण कराइथिला ओडिशार कला और साहित्य उन्नति संपर्क रे आउ रिसले सर्कुलर को अनुमोदन कराइथिला ताले रिसले सर्कुलर कौन टिके देख पिले मुझे कहूँ वाइसराय लॉर्ड कर्जन को सरकार गृह सचिव ना होची हेनरी रिसले प्रस्ताव संबलित दलिल को रिसले सर्कुलर बोली कहा जाए उत्कल सम्मेलन रो जो उत्कल सम्मेलन रे समस्ते जोग देते से मुख्य भूमिका ग्रहण करते मधुबाबू से महासिंधु उत्कल सम्मेलन महासिंधु रे निजर प्राणबिंदु मिसाइप ओडिया भाषाभाषी को आह्वान देते तांकर उद्देश्य थिला केवल ओडिया भाषाभाषी को लेकिन एक उत्कल कहा जापरि जी जन्मभूमि कर्मभूमि समस्ते उत्कल अर्थात कहार उद्देश्य है जो मैंने ओडिया कहती किंतु विभिन्न अलग अलग राज्य सब ओडिया भाषाभाषी अंचल मिसिमिशिक रही सबक एकत्रीकरण करवा उद्देश्य तेणु संपूर्ण ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रीकरण करने लगी से जो उद्देश्य रही साकार करने लगी अनेक राजा महाराज समर्थन देते ताले उत्कल सम्मेलन अष्टम अधिवेशन 1912 मसीहा एप्रिल 6 और 7 रे ब्रह्मपुर रे अनुष्ठित होता जो थे कि प्रथम ए मधुबाबू विरोध करते बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को ये कौन विरोध कराइला बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को मधुबाबू विरोध करते सेमती 1914 मसीहा डिसेंबर 26 और 27 रे उत्कल सम्मेलन दशम अधिवेशन बसला पारला खमुटी ठारे जयपुर रो महाराज विक्रम देव वर्मा एथिरे अध्यक्षता करथिले एथि उद्देश्य थिला दशम अधिवेशन उद्देश्य थिला पूर्णांग ओडिशा गठन पई सीमा निर्धारण करिबा ताले 1917 मसीहा रे डिसेंबर 11 तारीख रे उत्कल सम्मेलन तरफ रु मोंटेगु जेम्स फोर्ड को कलिकता ठारे मधुबाबू नेतृत्व में गोटे दाबीपत्र दिया 1918 किंतु से दाबीपत्र कौन सी प्रकार ओडिशा विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण कौन सी प्रकार जेहेतु प्रस्ताव नथिला
तेणु 1918 ए खसड़ा को निंदा कराइथिला। ताले 1920 रे सेते बेलकु आरंभ होइथिला समग्र भारत रे असहयोग आंदोलन। गांधीजी भाबिथिले गांधीजींकर नेतृत्व रे असहयोग आंदोलन रो जो भूमिका रही थिला सेथिरे ओडिसा रो केतक नेतृस्थानीय व्यक्ति मध्ये चिंता करथिले जदि उत्कल सम्मेलनी को असहयोग आंदोलन सहित मिसाजीव ताहले एटा गोटे बड़ धरणर आंदोलन हम बा उद्देश्य पूरण हो पार। किंतु से 1920 सिंहभूमि सिंहभूमि जिले में 1920 मसीह सिंहभूमि जिलार चक्रधरपुर ठारे उत्कल सम्मेलन अधिवेशन में कांग्रेस लक्ष्य और आदर्श को ग्रहण करापर कांग्रेस उत्कल सम्मेलन मिश्रण होला। फल जो उत्कल सम्मेलन स्वतंत्र सत्ता रही लोप पाइला। मधुबाबू जेहेतु असहयोग आंदोलन को समर्थन करू नथिले तेणु मधुबाबूंकर उत्कल सम्मेलनी सह धीरे धीरे संपर्क से तुटाई देथिले। पुनर्बार जो माने कि विरोध करथुले असहयोग बा उत्कल सम्मेलनी रो कांग्रेस सहित मिसिबा को समर्थन करू नथिले सेमानकर नेतृत्व रे 1924 रे पुणि थरे उत्कल सम्मेलनी रो पुनर्गठन होइथिला। 1925 रे कटक ठारे कल्पतरु दासंक सभापतित्व रे प्रथमे यही स्वतंत्र प्रदेश 1925 रे सभापतित्व रे अधिवेशन उत्कल सम्मेलन रे आउथरे बसतिला। दुखर कथा स्वतंत्र प्रदेश गठन होबा पूर्वरु मधुबाबूंकर जो चेष्टा जो समग्र तांकर उद्यम रहितिला जीवन व्यापी जो उद्यम करथिले से तांकर स्वतंत्र प्रदेश गठन होबा पूर्वरु ही से प्राण त्याग करथिले। 1934 फेब्रुआरी 4 तारीख रे से देह त्याग करथिले। 1935 फेब्रुआरी 11 तारीख रे कटक ठारे उत्कल सम्मेलन रो शेष बैठक बसीथिला। एथिरे दाबी दिया जाइथिला जे पारलाखेमुंड रो उत्तर तथा पूर्व जोडा कि मंजूसा बरकान रो मंजूसा सेतेबेळु रहिथिला जरा मंडासा बोली कहउथिला आउ बुढ़ार सिंह जमीदारी ओडिसा रे अंतर्भुक्त करिया पाई बोली सरकारंग ठारे ओडिसा तरफरु यही जो उत्कल सम्मेलन तरफ दाबी ग्रहण प्रस्ताव रखाइला ताकू मध्य सरकार ग्रहण करते से बहु घात प्रतिघात पर जाकि 1936 एप्रिल 1 तारीख में स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठित होता। ताल पाने जो आम आज ये पाठटी को आलोचना कले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिग्वे उत्कल सम्मेलन गठन किपर होता स्वतंत्र उत्कल प्रदेश ओडिशा प्रदेश गठन मु भावी तुमने बुझिपार भल भाव बारंबार पढ़व भिडटी को देख आउ जो अंडरलाइन होसीहा गुड़ी तार हिंट्स सब दिखाई पॉइंट सब रही से पॉइंट को बारंबार पढ़ले तुम्हें भल भाव सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन सबुतक कर परीक्षा पूर्व तुम मानक यहाँ नोट गुड़ाक बहुत साय्य कर निश्चित भाव तेणु पढ़ा को जारी रख भल भाव पढ़ की मन रख। धन्यवाद।